हरि ओम जयतु संस्कृतम सर्वेभ्य नमो नमः सर्वो मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है सत्री प्रत्यय। आज हम संस्कृत में सत्री प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह से पुलिंग से हम सत्रीलिंग बनाएंगे। सबसे पहले आप समझेंगे पुलिंग शब्दों के सत्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन प्रत्ययों को सत्री प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न है कि सत्री प्रत्यय क्या होते हैं। तो पुलिंग शब्दों के सत्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें सत्री प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार चार प्रत्यय हैं जो सत्री प्रत्यय बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ती। ये जो प्रत्यय है चार, इनसे ही पुलिंग से सत्रीलिंग बनाया जाता है। फिर ध्यान से देखेंगे चार प्रत्यय कौन कौन से हैं। आ, बड़ी ई, उ, ती। पुलिंग से हम सत्रीलिंग बनाएंगे अज। अज है पुलिंग। तो अब इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया अजा। जब आ प्रत्यय लगा तो बन गया अजा। अज, अजा। अश्व, अश्वा। वत्स, वत्सा। अज का अर्थ होता है पुलिंग, जो जैसे बकरा है अजा, अजा हो गई बकरी। अश्व, घोड़ा। अश्वा, घोड़ी। वत्स, बेटा। वत्सा, बेटी। आगे हमारे पास शूद्र, शूद्रा। चटक, चटका। चटक सब जानते होंगे, चटक पुलिंग जो चिड़िया होती है जिसको, ये सत्रीलिंग चटका है। बाल, बाला। शिष्य, शिष्य। शिष्य पुलिंग, अगर कोई बालक है शिष्य और अगर बालिका है तो शिष्य। इसको प्रार्थना पत्र जब लिखते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। लड़कियां लिखती हैं शिष्य और लड़के लिखते हैं शिष्य। उसके बाद है दोबारा पुलिंग सत्रीलिंग। अब मैं ई प्रत्यय वाले समझाऊंगी कि जब पुलिंग से सत्रीलिंग बनाएंगे ई प्रत्यय लगाकर तो कैसे बनाएंगे। मृग, ई प्रत्यय जुड़ा बन गया मृगी। देव, देव का बन गया देवी। सुंदर, सुंदरी। पितामह, पितामही। तरुण, तरुणी। कुमार, कुमारी। आपने देखा होगा जब नाम लिखते हैं तो पुलिंग में लिखते हैं कुमार। कोई भी नाम ले लो जैसे नरेश कुमार, और लड़कियां लिखेंगी कुमारी। इसमें भी कोई भी नाम ले लो जैसे लता कुमारी। तो इस तरह से पुलिंग से सत्रीलिंग बनते हैं ई प्रत्यय लगा करके। आगे स्थल, स्थली। इस तरह से मैंने आज आ और ई प्रत्यय लगा करके पुलिंग से सत्रीलिंग कैसे बनते हैं ये आपको समझाया। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको ऊ और ती, इन दो प्रत्ययों से किस प्रकार सत्री प्रत्यय बनते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। तो अगली वीडियो देखने के लिए पहले मेरी इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यदि इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।